हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास सर, आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, जो कि मेरे पास होम थिएटर है। ये तो होम थिएटर में हम चेक करेंगे क्या क्या कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है और इसमें कौन सा पार्ट्स लगाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में बने रहिए। कोई भी होम थिएटर हो सकता है आपका, मॉडल लेके कोई खास बात नहीं, आपको इशू नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम को पकड़ना है सबसे पहले। ठीक है गाइस, तो उसका प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए आप कौन सा कंपोनेंट को किस तरह से चेंज करेंगे और कौन सा कंपोनेंट किस तरह से लगा पाएंगे, दूसरे कंपोनेंट को भी यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर से बात करते हैं। यहाँ पर जो हमने ये एक होम थिएटर है आपका 4-in-1 का। ठीक है गाइस, तो इस पे हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल भी जल चुका है। जो हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पर ये वाला ट्रांसफार्मर था, जो ऊपर में स्टिकर हुआ होता है, जो स्टिकर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है फिलहाल, मतलब स्टिकर हटा दिया गया है इसमें से, मतलब इसका स्टिकर जो है उठा दिया गया था। तो इसमें आपको कौन कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर था और कितना वाट का था और कितना वोल्ट का था। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको आप अगर काम करते हैं तो आपको आइडिया अंदाज़ा लग ही चुका होगा इसमें 4.1 है कितना एम्पीयर का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो होना चाहिए आपका 12012 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर ये है। ठीक है गाइस, तो मतलब ये होना चाहिए, तो वही ट्रांसफार्मर है 12012 एम्पीयर का। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर चेंज किया हो, ये वाला ओरिजिनल ट्रांसफार्मर था। तो हमारे पास एक मार्केट वाला ट्रांसफार्मर है जो रेकॉर्ड कंपनी का है, रिप्रो का नाम से ये ट्रांसफार्मर है मार्केट में। और ये ट्रांसफार्मर भी काफ़ी अच्छा, इतना बुरा नहीं है, आप इसको यूज़ कर इसमें ले सकते हो, जो कि 12012 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरा ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आपका कोई भी क्वालिटी का, कोई भी कंपनी का हो, कोई बात नहीं, आप ड्यूक का भी यूज़ कर सकते हो, REC का भी यूज़ कर सकते हो, रेकॉर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, या आदर्श ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो ट्रांसफार्मर। उस पर कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ आपका वो क्वालिटी किस टाइप का है और आपका ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा लेना देना भी है गाइस, क्योंकि उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादा लास्टिंग होगा और आपका उसका वोल्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका होम थिएटर ट्रांसफार्मर। आप अगर इसमें 2 एम्पीयर से नीचे का ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो आपके क्या प्रॉब्लम आने वाला है इस होम थिएटर में। ठीक है गाइस, ये भी बताने वाला हूँ, अगर 2 एम्पीयर से ज़्यादा आपने इसमें यूज़ कर लिया है तो आपका क्या प्रॉब्लम आने वाला है। तो 2 एम्पीयर के नीचे जो आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे आप, तो आपका प्रॉब्लम क्या आने वाला है, आपका प्रॉब्लम आने वाला है ये कि आप चारों बॉक्स जब इसमें इंस्टॉल करेंगे, मतलब बजाएंगे और आपका वाफर भी साथ में बजने लगेगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगा, बीच बीच में ऑफ होता जाएगा, क्योंकि वो 2 एम्पीयर ट्रांसफार्मर आपका लोड नहीं लेगा। अगर आपने यहाँ पर 2 एम्पीयर से ऊपर ट्रांसफार्मर लगा दिए है तो आपका प्रॉब्लम क्या आने वाला है। अगर आपने 2 एम्पीयर से ज़्यादा ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ कर लिया है तो आपका प्रॉब्लम आने वाला है कि ये आपका जो IC है ये तुरंत उड़ने लगेगा और आपका जो साउंड क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके इसमें IC ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा और आपका साउंड क्वालिटी जो है वो भी उसमें बिगड़ने लगेगा और आपका IC जो है ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, और आपका डायोड अगर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा और आपका कैपेसिटर भी ब्रास्ट हो सकता है, तो आपका हीट सिंक भी ज़्यादा हीट होगा और आपका IC तुरंत हाथों हाथ ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा एम्पीयर लगाएंगे तो यही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने और एक प्रॉब्लम आपके लिए शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 4-in-1 का जो साइड आउटपुट बॉक्स है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो बॉक्स लगाया जाता है हमारा, एक IC यहाँ पर दिया गया है वाफर के लिए, वाफर बजेगा आपका, एक IC दिया गया है आउटपुट, और 2 IC हमारा यहाँ पर लगाया गया है आउटपुट स्पीकर के लिए गाइस। तो यहाँ पर जो आउटपुट के स्पीकर है हमारा 2-2-4 है, जो वाइट नज़र आ रहा है ये एक ही IC से आ रहा है, और आपका रेड जो सॉकेट है ये हमारा भी एक ही IC से आ रहा है, तो 2 IC मिला के 4 स्पीकर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका जब बजाएंगे आपका एक साइड में वाइट में साउंड ज़्यादा आएगा और एक साइड में साउंड कम दिया आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कन्वर्ट किया गया है, जो रेजिस्टेंस के थ्रू ही इसको बाईपास किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू बाईपास इसलिए किया जाता है, कभी कभार क्या होता है आपका हाथों हाथ मतलब म्यूजिक जो इसका चेंजेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक में ज़्यादा आता है एक में लो आता है, तो आपको सुनने में अच्छा लगता है। अगर सारो स्पीकर एक ही जैसे बजने लगता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब कितना नहीं सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, तो इसीलिए कंपनी ने यहाँ पर और सेफ्टी के लिए भी एक रेजिस्टेंस लगाया गया है यहाँ पर।
सेफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, एक स्पीकर से एक स्पीकर लूट ज़्यादा होता है, एक में कम होता है। ठीक है, तो आपका अगर एक स्पीकर बज रहा है व्हाइट वाला और दूसरा व्हाइट नहीं बज रहा है, तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस को चेक करना है और ना कि आपका आईसी को चेक करना है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस को चेक करना है, क्योंकि व्हाइट वाला जो पिन है ये आईसी से बज ही रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी बजना जरूरी है। ये आईसी अगर यहाँ पर बज रहा है तो यहाँ पर भी बजेगा। अगर आपका रेड बज रहा है, आपका व्हाइट नहीं बज रहा है, तो आपका आईसी का फॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दो सॉकेट जो व्हाइट है ये एक ही आईसी से कनेक्ट हुआ है, और रेड एक ही आईसी से कनेक्ट हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये छोटा सा प्रॉब्लम की जानकारी था आप लोगों को वीडियो। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, और भी जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस, और जो लोग नए हैं वो लोग जरूर से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करते रहिए, और मैं आप लोगों का सपोर्ट इस तरह से मुझे करते रहिए, तो आगे भी मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, तो आपका दिन शुभ हो, मैं चलता हूँ।